गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश। और आज का टॉपिक है द नाउन काइंड्स, नाउन और उसके प्रकार। पहले हम नाउन की क्या है डेफिनेशन देखेंगे कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। तो हम बोलेंगे ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कि एक संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंकुर, अंकुर क्या है, किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम है। एंड जयपुर, जयपुर क्या है, किसी सिटी का पर्टिकुलर नेम है। और ऑरेंज क्या है, किसी भी थिंग्स का पर्टिकुलर नेम क्या है, ऑरेंज है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। और भी अपनी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे सिटी भी कर सकते हैं, जैसे शहर, और उसके बाद अपने कर सकते हैं टेन कर सकते हैं, और कोई भी बॉय एंड गर्ल, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इसके काइंड्स, कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। फर्स्ट अपना काइंड्स आएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कि प्रॉपर नाउन हम उसको बोलेंगे जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ। अब लखनऊ क्या है, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। सेकंड है सुमन, ये क्या है, किसी भी पर्टिकुलर गर्ल का नाम है सुमन। पारलेजी, पारलेजी क्या है, किसी पर्टिकुलर बिस्कुट का नाम है। अगर यहीं पर लखनऊ की जगह सिटी दे देते तो ये क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता, क्योंकि सिटी तो सबके लिए यूज़ हो सकता है। और सुमन की जगह यहाँ पे गर्ल दे देते तो ये भी क्या, गर्ल किसी के लिए भी अपने यूज़ कर सकते हैं। और पार्ले से यानी कि बिस्कुट्स होते हैं, और बिस्कुट्स भी क्या है, किसी के लिए भी अपने यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का हो। नेक्स्ट सेकंड है इसका टाइप है कॉमन नाउन्स। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। कि कॉमन नाउन क्या होती है, वो किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ना बताकर क्या बताएगी, उसके जाति के बारे में बता देगी। कि मान लो कि यहाँ पर अपन एक गर्ल, मान लो यहाँ पे बॉय दिया हुआ है, तो बॉय क्या है, किसी भी किसी भी, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ये सारे के सारे क्या है, बॉयज़ हैं। और इनके लिए अपने यूज़ क्या कर सकते हैं कि ये बॉय, अगर अपने को इसका नाम नहीं पता तो कहेंगे कि वो क्या एक बॉय है। और सेकेंड है गर्ल। अब गर्ल क्या, अगर किसी का नाम अपने को पता नहीं है, उसका पर्टिकुलर नेम नहीं पता, तो अपने वहाँ पे उसका यूज़ क्या कर देंगे, वो क्या है, शी इज़ गर्ल। अब सिटी है, सिटी के बारे में अपने को कोई नॉलेज नहीं है, तो अपने कह देंगे कि दिस इज़, अगर उसके जगह पे अपने सिटी का प्रयोग करेंगे, सिटी की जगह अगर मान लो जयपुर का प्रयोग कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे अपने क्या लगा देंगे, पर्टिकुलर, यानी कि ये पर्टिकुलर है तो अपने क्या लगा देंगे, ये प्रॉपर हो जाएगी। वरना अगर सिटी लगाया हुआ आएगा सेंटेंस के अंदर, तो अपने इसको कॉमन नाउन के अंदर यूज़ करेंगे। और लास्ट अपना है एग्जांपल बर्ड। अब बर्ड कोई भी हो सकता है, अगर इसी की जगह पे कोई पैरट दे दिया, कोई और नेम दे दिया, तो अपने वहाँ पे प्रॉपर नाउन लगा देंगे। अगर ओनली बर्ड दिया हुआ है तो अपने क्या लगा देंगे, कॉमन नाउन लगा देंगे। अभी जस्ट हमने कॉमन नाउन पढ़ा, उसके बाद देखिए कि कॉमन नाउन के आगे चलकर क्या कितने पार्ट्स हो जाते हैं, टू पार्ट्स हो जाते हैं। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उसे कहेंगे जिसे हम क्या है, गिन सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वन बुक, कि एक किताब, अब किताब को हम गिन सकते हैं। एंड सेकंड एग्जांपल है टू पेंस, अब पेन को भी क्या है, हम गिन सकते हैं।
अगला एग्जांपल है फोर गर्ल्स, अब लड़कियों को भी हम गिन सकते हैं। और अगला है थ्री रिंग्स, अंगूठियों को कितने अंगूठे हैं तो थ्री है, तो इनको भी अपने गिन सकते हैं। और एग्जांपल इसके अपने देख लेते हैं, जैसे कि मान लो कि बॉय दे दिया, तो अपने कह सकते हैं कि अपने बॉय को क्या है, गिन सकते हैं। अगर यहाँ पे वन टू ना लगा के बॉय लिखा हुआ है तो अपने इसे कह सकते हैं कि ये एक गिन सकते हैं और ये काउंटेबल नाउन है और प्लस में ये क्या है, कॉमन नाउन है। अगर यहाँ पर कोई भी जैसे कि मान लो गैस दे दी, अब गैस को अपने गिन नहीं सकते बट इसको क्या मेजर कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं, तो ये क्या काउंटेबल नाउन नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो कहलाएंगी जिन्हें हम गिन नहीं सकते बट उनको क्या है मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, अब वाटर को हम गिन नहीं सकते बट अगर कोई ऐसे बोल रहा है वन ग्लास ऑफ वाटर, तो अपने कह सकते हैं एक गिलास पानी, तो उसको अपने गिन लेंगे एक गिलास लेके आना है, तो वहाँ पे तो ये काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टिव आपको वाटर दिया जा रहा है तो ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर काउंट होगा। सेकंड है सोइल, सोइल यानी मिट्टी, अपनी मिट्टी को भी गिन नहीं सकते बट उसको क्या है माप सकते हैं। एंड लास्ट एग्जांपल अपना क्या है लाइट, लाइट कहते हैं प्रकाश, अब प्रकाश को अपने गिन नहीं सकते बट कह सकते हैं कि ये मतलब इसको अपने माप कर ऐसे माप सकते हैं। तो फॉर ये हो गया अपना अनकाउंटेबल नाउन। थर्ड अपना है कलेक्टिव नाउन्स, अब कलेक्टिव नाउन्स द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन, कि ये जो कलेक्टिव नाउन्स होंगी यानी कि ये क्या करेंगे किसी समूह का बोध कराएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली, अब फैमिली के अंदर क्या होते हैं बच्चे भी होते हैं और बूढ़े भी होते हैं और मम्मी भी होती है पापा, पर इन सबको मिलाकर क्या बन जाता है, एक फैमिली बन जाता है। यानी इसके अंदर गर्ल्स भी आ सकते हैं, बॉयज़ भी आ सकते हैं, यंग भी आ सकते हैं, ओल्ड पीपल भी आ सकते हैं, ये सारे के सारे अब एक फैमिली के अंदर ही सारे के सारे क्या मेंबर्स हैं। और आर्मी, आर्मी क्या सोल्जर्स का ग्रुप होता है, यानी कि इसके अंदर, उसके अंदर क्या है गर्ल्स भी हो सकती हैं और बॉयज़ भी हो सकते हैं। अब क्लास है, क्लास क्या है, क्लास क्या बॉयज़ एंड गर्ल्स का क्या है एक ग्रुप होता है, उसको दोनों को मिलाकर एक क्लास बनती है, तो ये जो ग्रुप क्या कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट अपना काइंड है मेटीरियल नाउन, द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, कि ऐसे पदार्थों और द्रव्यों का नाम जिनसे कुछ वस्तुएं बनती हैं वो क्या कहलाते हैं मटेरियल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन क्या होता है लोहा होता है और इससे क्या बन सकते हैं विंडो भी बन सकती है और डोर्स भी बनते हैं। एंड नेक्स्ट अपना है गोल्ड, अब गोल्ड क्या होता है सोना होता है, सोने से अपने क्या बहुत सारी थिंग्स बनाते हैं फॉर स्पेशल लेडीज, ठीक है वो क्या बना सकते हैं फॉर रिंग इयररिंग्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट है सिल्वर, सिल्वर क्या होता है चांदी, इनसे भी क्या है कि थिंग्स बनती है, कौन कौन सी बन सकती है इयररिंग्स और नोज पिंस, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे मटेरियल नाउन। मिल्क, मिल्क यानी दूध, अब दूध से क्या बन सकता है कर्ड बन सकता है, बटर बन सकता है, ये सारे के सारे अपने क्या कह देंगे इनको मटेरियल नाउन। नेक्स्ट अपना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन द नेम ऑफ क्वालिटी स्टेट और एक्शन, कि ये क्या करते हैं किसी भी गुण दोष और अवस्था के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है ईमानदारी, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर अपने ये देखेंगे कि इन जो भी ये जो नाउन आएंगी उनको अपने क्या है टच नहीं कर सकते बट क्या करेंगे फील कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी क्या होती है ईमानदारी होती है, अब ईमानदारी को अपने कभी भी देख नहीं सकते और ना ही उसको क्या है टच कर सकते बट अपने फील करते हैं कि वो बंदा क्या है ईमानदार है। नेक्स्ट अपना क्या है जॉय, जॉय क्या होते हैं खुशी, अब खुशी अपने को दिखती नहीं है पर अगले की फील होती है वो बंदा क्या है खुश है। नेक्स्ट अपना वीप, वीप क्या होता है रोना, अब रोना भी क्या है अपने इसको देख नहीं सकते ना ही टच कर सकते पर फील कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना है लाफ्टर, लाफ्टर क्या होते हैं हंसी, अब
इसको भी अपने क्या है ना तो देख सकेंगे और ना ही छू सकेंगे बट फील करेंगे, इसलिए सारे के सारे क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थैंक यू।